वेलकम इरादे हेल्पलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा सीनियर सियासत पीटीआई के एमपीए हैं। आज सिंध असेंबली में तकरीबन 26 पीटीआई के जो मेंबर्स हैं यानी के मेंबर सिंध असेंबली हैं एमपीए हैं उन्होंने इस्तीफाएं जमा करा दी हैं। इससे पहले इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि हम जो है ना अपनी असेंबलियाँ तहलील करेंगे। आज फवाद चौधरी साहब ने केपीके खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर उन्होंने कह दिया है कि हम असेंबली तहलील करने जा रहे हैं, कयादत ने ये हमें कह दिया है। खान साहब आपको खुद पता है कि असेंबलियों से बाहर आना, इतनी बड़ी गवर्नमेंट आपको पंजाब केपीके एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट है आपकी, आधे पाकिस्तान से ज़्यादा आप उसके ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे, ये आपका जल्दी का फैसला है और जज्बाती फैसला है कि आप उधर रहकर एक डिलीवर तो कर सकते थे ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मीर साहब, ये हमारा ना कोई जज्बाती फैसला है और जाहिर ऐसे असम्बलियों में रेके क्योंकि दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं, इकोनॉमी तौर पर मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। आज इनका अपना सबका फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर इस्माइल कह रहा है, बल्कि उन्होंने कल एक इदारिया भी लिखा है डॉन न्यूज में और वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ना कोई मुल्क इनके साथ कोई कमिटमेंट करने के लिए तैयार है ना कोई वो, तो इससे बेहतर है कि कोई फेयर इलेक्शन हो और मुल्क जैसे खान साहब के साथ सब तैयार थे और मुल्क एक बेहतर उस सिम पे जा रहा था, तरक्की की तरफ जा रहा था, जीडीपी ग्रोथ हमारी बड़ी थी, एक्सपोर्ट हमारी बड़ी थी, लेकिन जब से ये नाएहल और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है तो दिन ब दिन हमारी वो एक्सपोर्ट भी खत्म हो गई, जीडीपी ग्रोथ भी खत्म हो गए और मुल्क डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो ताकि अवाम अपने सही नुमाइंदों को मैंडेट दे और वो मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाए। मीर साहब देखिए बात ये हमारे लिए तो इजी है, अगर 8 महीने बाद 9 महीने बाद भी इलेक्शन होने तो दिन ब दिन ये मौजूदा नाअहल गवर्नमेंट यानी ये गिरते जा रहे हैं, इनकी पॉपुलरिटी खत्म होती जा रही है, लेकिन हमें मुल्क का फिक्र है कि भाई जल्द से जल्द इलेक्शन हो और ये जो हमारी ग्रोथ कम हो रही है ताकि और ये जो हमारी इकोनॉमी वो तबाह हो रही है वो बेहतर हो सके। आपको खुद बताए कि काफ़ी ऑप्शन है पंजाब गवर्नमेंट को बचाने के लिए, आप एक एमपीए हैं, आप लेजिस्लेटर हैं, एक तो गवर्नर राज लगा सकते हैं, आपको खुद पता है कि जैसे असेंबली कायम रहे एक चीज़, दूसरी बात ये है कि तहरीक अदम एतमाद वज़ीर-ए-आला के ख़िलाफ़ आ सकती है और दूसरा गवर्नर ये कह रहे कि आप एतमाद का वोट वज़ीर-ए-आला को कह लें, वो भी काफ़ी ऑप्शन पर काम कर रहे हैं कि जिस तरह पंजाब असेंबली बच जाए, क्या कहेंगे? ये सब देखिए अगर इनके पास अक्सरियत होती पंजाबी असेंबली तो कब तक ये हमारी गवर्नमेंट खत्म कर चुके होते हैं। आपने देख लिया कि पहले इन्होंने हमारे लोगों को खरीदा, उनसे मांगे तांगे के लोगों को जमा करके गवर्नमेंट बनाई, लेकिन वो जब डिस्क्वालीफाई हुए और वहाँ हमारे लोग मुंतखब होके आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पंजाब गवर्नमेंट में हमारे पास अक्सरियत है और ये इनको भी पता है कि गवर्नर राज कानूनी तौर पर इनको भी पता है इनके लिए मुश्किलात हैं, तो ये भी बड़ा इनको पता है कि गवर्नर राज लगाएंगे 2-3 महीने के लिए, 3 महीने के बाद तो फिर इन्होंने मूव करना है। तो बात ये है कि जब वो असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो वो वज़ीर-ए-आला खुद ये उनके पास आईने अख्तियार है वज़ीर-ए-आला के पास। आपको आपको पता है आप तो आए थे इलेक्शन लेने, आप तो आए थे इस्तीफाएं लेने, आप खुद इस्तीफा दे रहे हैं सियासी तौर, नवाज शरीफ को आपको माइनस किया, अब वो कह रहे हैं कि हमने तो इमरान खान को इस सियासत से माइनस कर दिया, आप तो आए थे धरना दे रहे हैं, आप आए थे लॉन्ग मार्च करने, लेकिन आपने इस तरफ आपने कर दिया, आपने अमेरिका के ऊपर तनकीद करना छोड़ दिया, आपने एस्टेब्लिशमेंट पे, अब दोनों के ऊपर आपकी तनकीद नहीं होगी, अब तनकीद होगी पीपल्स पार्टी नून लीग JUIF NP पे तनकीद होगी, ये बड़ा शिफ्ट आया है खान साहब की सियासत में, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, हमने हम अगर अमेरिका पे तनकीद कर रहे थे तो हमने कहें कि हम तो बराबरी के सतह के भाई वो हमारे मुल्क में मुदाखलत क्यों कर रहे हैं, हम अमेरिका में या किसी और मुल्क में मुदाखलत तो नहीं कर रहे हैं ना, वो हमारे मुल्क में मुदाखलत कर रहे हैं इसलिए वो कर रहे थे। दूसरी बात आपने कहा कि इस्तीफा, तो अभी भी पाकिस्तान में 70%
पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। पंजाब में आप देखें नशिस्तें हमारे पास ज्यादा, ये 13 पार्टियां मिलकर भी इनकी जितनी हमारी पाकिस्तान में नशिस्तें इतनी इनके नहीं है, तो मजबूरन इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तकरीबन 570 हलकों पे इलेक्शन कराना इनके लिए बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि ऑटोमेटिकली जब ये हमने रिजाइन दे दिए और इनको इलेक्शन कराना पड़ेगा। सही, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। ਤਾਜ਼ੀ ਮੁਗਟੇਲ ਵਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਿਆ ਮਾਰੂਫ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਆਨ ਜ਼ੇਨੇ ਸੁਮਰੋ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕਾਹਨ ਸਰਤਾਂਗ ਵੈਲਕਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਤਲਬ ਹਾਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸਤੀਫਾ ਵਠਣ ਆਇਓ ਹੋਇਓ, ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਹਾਨੇ ਪਾਣ ਹਾਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਨਿਓ, ਕਿਹੜੋ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਰਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਤੋ, ਇਹੋ ਫੈਸਲੋ ਵੀ ਅੱਜ ਥੀਓ ਆ, ਛਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾ ਤਾਂ ਲੀਗਲ ਗੱਲ ਕਰਨਮ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਣੂ ਸੋਚਨ ਤਾਂ ਕਿ इन कदम का बहरान इंद, लेकिन अड़ी सूरत ना, कानून में इन जी पूरी गुंजाइश है। कानून इन सिचुएशन के पूरी तरह इन्विजाज किया कि अड़ी सिचुएशन थी सके थी, इन जी इजाजत दे तो। पेरी गाल रेजोल्यूशन किए वर्क कंदी है, आर्टिकल 112 क्लॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर के जो चीफ मिनिस्टर हों एडवाइज गवर्नर ड्यूटी बाउंड आने पूरी कोई उनके इस्तेकाक या डिस्क्रेशन ना है कि उनके मना करे सके। वो ड्यूटी बाउंड आ कि असेंबली डिसॉल्व करे छे अगर चीफ मिनिस्टर की अड़ी का एडवाइस अचे थी, ए अगर गवर्नर उनके रिप्लाई नो करे तो 48 कलाकन के अंदर असेंबलीज हूँ ही डिसॉल्व थी, उनके गवर्नर जो चवण की भी जरूरत ना है। तो यो एकड़ो प्रोविजन है कि ये किए डिसोल्यूशन कम कंदी, लेकिन डिसोल्यूशन का पो छा थिंदो असल सवाल यो आ। तो आर्टिकल 224 क्लॉज 2 में डिसोल्यूशन के फौरन पो तहां के 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराना है प्रोविंशियल असेंबली जी सीट्स ते। ए वे इलेक्शन जेको आहे जनरल इलेक्शन वांगर हुंदा, उन्हनि इलेक्शन जो जेका असेंबली इलेक्ट थींदी उन्हनि इलेक्शन खां पोइ उन्हनि जो टेन्योर भी 5 सालनि जो हूंदो। त इहो पाकिस्तान जी तारीख़ में पहिरियों दफ़ो थियण वारो आहे इहो, अगरि रिज़ोल्यूशन थिए थी त ॿिनि असेंबलीज़ जी जनरल इलेक्शन उन्हनि असेंबली जी सीट ते जेका मेन सॼे मुल्क जी मुश्तरका जनरल इलेक्शन थियण वारी आहे 2023 में, उनखां पहिरियों थींदी। ऐं पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे अॻिते अचण वारा हर 5 साल ईअं ई कैरी फॉरवर्ड थींदा, त इहा हिकिड़ी एग्ज़ाम्पल क्रिएट थी वेंदी, छो त पोइ टेन्योर विच में ख़तम त न थींदो। ऑब्वियसली हिननि जो अॻिले 5 साल में जॾहिं टेन्योर एक्सपायर थींदो त उहो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन पहिरियों ई हूंदो, त हीअ हिकिड़ी रिवायत ठही वेंदी इन्हनि ॿिनि सूबनि लाइ। हाणे ॿियो सुवाल इहो थो थिए कि नून लीग वारा जेको चवनि था कि असां गवर्नर रूल हणंदासीं, ऐं इन ते जेको आहे हुननि जो प्रॉपर इंसिस्टेंस आहे कि असां गवर्नर रूल इम्पोज करे सघूं था, लेकिन अहिड़ी सूरत हाल न आहे। 18 अमेंडमेंट खां पोइ आर्टिकल 232 इहो चए थो कि जेका गवर्नर रूल आहे जेके एमरजेंसी असां चवंदा आहियूं, उहो सिर्फ़ु तॾहिं इम्पोज थींदी जॾहिं सूबे में इंटरनल डिस्टर्बेंस हूंदी जेका प्रोविंशियल गवर्नमेंट जे कंट्रोल खां ॿाहिरि हूंदी। ऐं इन लाइ बि प्रेसिडेंट खे प्रोविंशियल असेंबली जी रेज़ोल्यूशन खपे। हाणे पंजाब AKP में रेज़ोल्यूशन अची नथी सघे प्रोविंशियल असेंबली जी। अच्छा, प्रेसिडेंट पाण बि हणी सघे थो एमरजेंसी, लेकिन उन लाइ अगेन इहा कंडीशन सेटिस्फाई करणु ज़रूरी आहे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस आहे प्रोविंस में बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एंड नेशनल असेंबली ऐं सेनेट जी रेज़ोल्यूशन जी ज़रूरत आहे। त अगेन ॻाल्हि उहा ई थी वई कि नंबर वन इहो बि पॉसिबल न आहे। उन जी वजह इहा आहे कि नंबर वन कॾहिं बि आरिफ अलवी साहिबु इमरान ख़ान जी विशेष जे अगेंस्ट न वेंदो ऐं पाण को अहिड़ो क़दम न खणंदो, ऐं नंबर टू इहो कि का अहिड़ी इंटरनल डिस्टर्बेंस हिन वक़्तु नज़र नथी अचे ॿिन्हिनि सूबनि में जेका प्रोविंशियल गवर्नमेंट जे कंट्रोल खां ॿाहिरि हुजे। त अगरि अहिड़ी का पहिरियों ॻाल्हि आरिफ अलवी साहिबु अहिड़ी का कमु करे बि अथो त उनखे कोर्ट स्ट्राइक डाउन करे छॾियूं, ऐं इहो पॉसिबल न आहे। त हिन वक़्तु असां इहो बिल्कुलु कंक्लूड करे सघूं था कि अगरि डिसोल्यूशन थी वई त डिसोल्यूशन खां पोइ जनरल इलेक्शन थींदी उन्हनि सीट ते, ऐं उनजे अलावा कोई बि गुंजाइश न आहे कानून में। सही, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो, पंहिंजो पॉइंट ऑफ व्यू ॾिनो। अॼु ब्रेक जो टाइम थियो, ब्रेक खां पोइ।